आज हम सिंपल तरीके से लौकी की सब्जी बनाएंगे। बिल्कुल कम मसाला डलता है, इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं। सब्जी को रस वाला या फिर सूखी भी बना सकते हैं। इसके लिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 8 से 10 लहसुन के कलियां ली है। अगर आप लहसुन कम खाते हैं तो कम ही यूज करें। 3 से 4 लाल मिर्च लेंगे। इस सब्जी में लाल मिर्च जरूरी होता है, लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसकी जगह हरी मिर्च भी ले सकते हैं। 1 चम्मच साबुत जीरा ले लेंगे। मसाला बहुत ही कम यूज होता है, जितना कि आप इस वीडियो में इस टाइम देख रहे हैं। 500 ग्राम लौकी है। लौकी को पहले हमने धो लिया है, धोने के बाद इसे हम छीलेंगे। तो पहले यहाँ पे तड़का तैयार कर लेते हैं। 1 कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल डाल देंगे। इस सब्जी में सरसों का तेल ही डालें तो सब्जी टेस्टी बनती है। अगर सरसों का तेल नहीं है तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, पर सरसों का तेल में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। सरसों का तेल है तो अच्छे से धुआंधार गरम करेंगे, इसका तीखापन चला जाए। तो ये देखिए, अच्छे से गरम होने के बाद तेल लाइट हो जाते हैं देखने में। फ्लेम को लो कर देंगे और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को तड़कने देंगे। लाल मिर्च को बारीक काट लिया है। लाल मिर्च को अब कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे तेल में। फ्लेम को लो ही रखना है, आंच धीमी पे रख के लाल मिर्च को अच्छा सा डार्क गोल्डन करेंगे, तभी सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। आपके पास तेज पत्ता है तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। हमारे पास इस टाइम था तो मैंने डाल दिया। अब इन सबको कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। तेज पत्ता का भी कलर चेंज हो गया है। लहसुन को बारीक काट लिया है। आप चाहे तो इस जगह पे लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब धीमी आंच पे लहसुन को डार्क गोल्डन होने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे, जैसे कि लौकी को बारीक काट करके रख लेंगे। तो लौकी को पहले हम छील लेते हैं। आप चाहे तो इसे चाकू के भी सहायता से छील सकते हैं। छीलने के बाद इसका आगे पीछे का हिस्सा काट देंगे। ये देखिए, हमने काट लिया है। अब इसे बारीक काटेंगे। तो पहले मैं इसे मोटा पीस में काट लेती हूँ। अगर आपके पास घिया कस है तो उससे भी काट सकते हैं, मोटे वाले इधर से, पतले वाले इधर से नहीं काटे, या फिर चाकू से बहुत ही बारीक काट ले। तो ये देखिए, हमने मोटे पहले काट लिया है। अब मिनी चॉपर है हमारे पास, इसमें हम बारीक चॉप कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि लौकी जल्दी से पक तो जाते हैं, पर खाने में टेस्टी लगता है, क्योंकि छोटे छोटे पीस होते हैं तो उसके अंदर तक मसाले नमक का टेस्ट चला जाता है। जब हम मोटे पीस में काट करके लौकी बनाते हैं तो अंदर से फीकी लगते हैं। तो आप चाकू से काटेंगे तो थोड़ा सा मोटा होगा, पर खाने में टेस्टी लगेगा, पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी तरीके से सारे लौकी को चॉप कर लेंगे। इससे पहले भी वीडियो मैंने लौकी का डाला है, वो तरीका दूसरा है, तो उस वीडियो पे भी बहुत प्यार मिल रहा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन डार्क गोल्डन हो गया है। आंच हमारा धीमी है। अगर आप ज्यादा आपके कढ़ाई गर्म हो जाते हैं तो गैस को बंद करके फिर हल्दी डाल दें और कुछ सेकंड के लिए उसे भून लें। इसके बाद बारीक कटी हुई लौकी को डाल दें। अब इसे मिक्स कर लेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसी टाइम डाल देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक आंच को तेज कर लेंगे, मध्यम पे कर लेंगे और मिक्स करते रहेंगे ताकि लौकी थोड़ा सा गर्म हो जाए। जैसे ही लौकी गर्म हो जाएगा इसको ढक देंगे और आंच को बिल्कुल धीमी कर करके छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पे मैं एक टमाटर ले रही हूँ। टमाटर इस सब्जी में जरूरी तो नहीं है, पर हमारे घर में टमाटर डाल के ही खाते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 ही टमाटर डाल रही हूँ। अगर आप टमाटर इस सब्जी में नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। बस हमारे घर में टमाटर के साथ खाते हैं, इसीलिए मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर को भी बारीक चॉप कर लेंगे, आप चाहे तो बारीक काट भी सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद लौकी में थोड़ा पानी छोड़ दिया है, हमने धीमी आंच पे पकने दिया था। अब इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम थोड़ा सा आंच को बढ़ा देंगे और थोड़ी देर मिक्स करते रहेंगे ताकि टमाटर भी थोड़ा सा गर्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। बीच में चेक भी कर लेंगे ताकि जले ना। तब तक हम यहाँ पे रोटी का तैयारी कर लेते हैं। तो 2 कप हमने आटा लिया है। 2 कप में 1 कप से
थोड़ा सा कम पानी लग जाता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए टाइट आटा तैयार कर लेंगे। ये देखिए पहले तो हमने आधा कप डाल दिया है क्योंकि आटा में इसको मिक्स करते रहेंगे और ये टाइट आटा तैयार हो जाता है। इसको साइड में रखेंगे। जो बचा हुआ सूखा आटा है उसमें जरूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी डाल के गूंथ लेंगे। ऐसा करने से आपके आटा गीला नहीं बनेगा। आजकल बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो उसको आटा गूंदने नहीं आते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के आटा गूंदना सीख सकते हैं। पानी गुनगुना यूज किया है, ठंड के मौसम है तो पानी गुनगुना यूज करें, इससे आटा सॉफ्ट बनेगा, रोटी भी सॉफ्ट बनती है। थोड़ा सा पानी बच गया है, अब इसमें थोड़ा सा हाथ पे घी या फिर ऑयल लगा लेंगे। इससे क्या होता है, एक बर्तन में भी नहीं चिपकेगा आटा और हाथ में भी नहीं चिपकता है। और इसे 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है, अब इसे 10 से 15 मिनट तक साइड में रख देंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद आटा थोड़ी सी ऊपर से सूख जाते हैं तो इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट होने तक गूंद लिया था, आटा हमारा सॉफ्ट है। अब इसका लोइया तैयार कर लेंगे। इतना आटा में 10 रोटी बन जाते हैं। तो ये देखिए इतना शेप का हमने लोइया बना करके रख लिया है, 10 लोइया बन गया था। अब हम इसका रोटी बनाएंगे। रोटी आपके ना तो ज्यादा पतली रहेगी ना ही मोटी रहेगी, मीडियम साइज की रोटी बन जाती है। अब इसे हम बेल लेते हैं। बेलने के लिए सूखी आटा लगा ली है। इसे क्या होगा कि बेलन और चकला में रोटी चिपकते नहीं है, और इस तरीके से घुमाते हुए रोटी को बराबर करके बेल लेंगे। अब 1 से 2 बार बेलेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसी तरीके से रोटी बनने लग जाएगा। अब तवा को तेज गरम करेंगे, पानी डाल करके चेक कर लेंगे गरम है नहीं है। गरम तवा पे ही रोटी को रखेंगे, कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे तो ये देखिए ऊपर से थोड़ा सूख जाते हैं। इसे पलट लेंगे दूसरी साइड इस तरीके से, जैसे ही बबल आ जाते हैं फिर पलट लें और उसको दबाते हुए फुला लें तो सॉफ्ट रोटी बन करके तैयार हो जाते हैं। यहाँ से थोड़ा जल गया था इसलिए रोटी फूल नहीं पाया है। दूसरी रोटी भी इसी तरीके से बना करके रख लेंगे। गर्मा गर्म रोटी में घी लगा करके कपड़े में लपेट के रखें तो ये रोटी सॉफ्ट रहती है। ये देखिए रोटी कितनी अच्छे तरीके से फूल गई है। तो चलिए जब तक हम सब्जी को भी चेक कर लेते हैं। तो सब्जी हमारी तब तक बन रही है। यहाँ पे कुछ हरा धनिया ली है और 1 हरी मिर्च लेंगे। एंड में हरा धनिया और हरी मिर्च को बारीक काट करके या फिर कूट के डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे भी बारीक चॉप कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं। तो सब्जी यहाँ पक गई है। 15 से 20 मिनट लग जाता है धीमी आंच पे यह सब्जी को पकाना होता है। अगर आपको सब्जी में रस चाहिए तो इसमें आधा कप पानी भी डाल सकते हैं। धीमी आंच पे पकने दें, फिर आपकी रस वाली सब्जी तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, टमाटर जो है वो थोड़ा मिक्स हो जाएगा। तो सब्जी हमने इतनी बारीक काटी थी कि सब्जी पकी गई है। अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया और हरी मिर्च मिक्स कर देंगे और आंच को भी बंद कर देंगे, ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि धनिया का टेस्ट हमारी सब्जी के अंदर आ जाए। आप इसे रोटी के साथ सर्व करें। सुबह सुबह की नाश्ता में खाने में टेस्टी तो लगेगा ही, यह सब्जी और रोटी हेल्दी भी होते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल प्रेस करें, कॉल सिलेक्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।